सनातन धर्म में आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है और वह 20 से 22 साल का हो जाता है, लेकिन बहुत शर्म और रुला देने वाली दुख की बात है कि वह सनातन धर्म के बारे में परिचित नहीं होता है। हम आपको सनातन के ऐसे फैक्ट से अवगत कराएंगे जिससे हमारे समाज में, पूरे भारतवर्ष में बच्चे बच्चे की जुबान पर सनातन का इतिहास और उसकी कहानियाँ रहेंगी। जिस प्रकार से कुछ अराजक तत्वों द्वारा हमारे बच्चों के दिमाग में सनातन विरोधी जहर घोला गया और हमें पता भी नहीं है कि वह सनातन विरोधी हैं, ऐसी ही कई चीजों से हम अवगत कराएंगे। आगे हम एक चैन में या कहें एक श्रृंखला में सनातन के बारे में पेश करेंगे, लेकिन इसके लिए सभी सनातनी भाइयों से अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें और यदि संभव हो तो डाउनलोड करके अपने दोस्तों को दें और सुनाएं। जैसे ही आपके तरफ से शक्ति मिलेगी, हमें जोश का टॉनिक प्राप्त होगा और हम आपकी सेवा अच्छे ढंग से कर पाएंगे। आज हम आपको रामचरितमानस के कुछ फैक्ट्स बताएंगे, हालांकि यह हमारा परिचय मात्र है। आगे हम और बहुत सी रोचक जानकारियां देंगे। आप शेयर जरूर करें, आपका एक शेयर हमारा सनातन के लिए छोटी सी हेल्प होगी। हम आज बताएंगे रामचरितमानस के कुछ रोचक तथ्य। रामचरितमानस में राम शब्द 1443 बार आया है। रामचरितमानस में सीता शब्द 147 बार आया है। हम इस तरह से आपको कुल शब्द कितने बार आए हैं ये बताते हैं। जानकी शब्द 69 बार आया है। वैदेही शब्द 51 बार आया है। बड़भागी शब्द 58 बार आया है। कोटि शब्द 125 बार आया है। मानस में एक बार शब्द 18 बार आया है। मंदिर शब्द 35 बार आया है। मरम शब्द 40 बार आया है। और यदि बात करें लंका में राम जी के रहने की तो 111 दिन रहे। लंका में सीता जी 435 दिन रही। मानस में श्लोकों की कुल संख्या 27 है। मानस में चौपाइयों की कुल संख्या 4608 है। मानस में दोहा संख्या 1074 है। मानस में सोरठा संख्या 207 है। मानस में छंद संख्या 86 है। सुग्रीव में कुल 10,000 हाथियों का बल था। माता सीता 33 वर्ष की उम्र में रानी बनी। मानस रचना के समय तुलसीदास की उम्र 77 वर्ष की थी। पुष्पक विमान की चाल 400 मील प्रति घंटा थी। राम दल व रावण दल का युद्ध 87 दिन चला। राम रावण युद्ध 32 दिन चला। सेतु निर्माण 5 दिन में ही हो गया। नीलकंठ के पिता विश्वकर्मा जी हैं। त्रिजटा के पिता विभीषण हैं। विश्वामित्र राम को ले गए 10 दिन के लिए। राम ने रावण को सबसे पहले मारा था 6 वर्ष की उम्र में। रावण को जिंदा किया सुखेन बेद ने नाभि में अमृत रखकर। यह जानकारी महीनों के परिश्रम के बाद आपके सम्मुख प्रस्तुत है। 3 आस्तिक हिंदू को भेजकर धर्म लाभ कमाए। जय श्री राम।